स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों को कि 31 दिसंबर को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डेट शीट के बारे में, यानी एग्जाम कब होंगे उसके बारे में घोषणा करने वाले हैं या ट्वीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को जब होगा तब पता लग जाएगा, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही करनी है। तो चलिए, उसी कड़ी में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द एरिया ऑफ एनी कर्व रिगार्डिंग द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्लियर? तो इस इंटीग्रल के टॉपिक में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हालांकि क्वेश्चन हमने 8.1 के ज्यादा नहीं लिए थे, कम क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि उसमें हमने कुछ थोड़ा सा ये बताया था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कर्व either on x-axis or on y-axis। क्लियर? तो उसी में आप आदर लेते हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 6 onwards। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 onwards। क्लियर? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x-axis, लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल, जिसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा। तो दिस इज द सर्कल। क्लियर? रेडियस कितनी होगी? 2 स्क्वायर, यानी रेडियस होगी 2। तो दिस पॉइंट इज 20 एंड दिस पॉइंट इज 0.2 एंड x इक्वल टू √3y। √3y का मतलब आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c की जितने भी इक्वेशंस होती हैं, दे पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर पॉजिटिव है दोनों तरफ तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी, और अगर नेगेटिव है साइन कोई से भी एक पर, तो ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ से जाती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इसका मतलब दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन x इक्वल टू √3y। क्लियर? Now you have to find out the area of the region in the first quadrant। इसमें निकालना है by x-axis। तो x-axis के साथ लेंगे तो इसका मतलब ये area आएगा, y-axis के साथ लेते तो ये वाला area आता। Clear? तो it means we have to find out the area of this region, student। Clear? अब देखिए ध्यान से student, आपको मैंने last class में बताया था, नहीं तो फिर से सुन लीजिए आप लोगों को अगर ध्यान में समझ में नहीं आया हो। जो भी एरिया हमें निकालना है ये देखना है x एक्सिस y एक्सिस उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइनों को छोड़कर। ये देखिए कि शेडेड रीजन, जो शेडेड एरिया है वो किस लाइन या किस कर्व से क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं x एक्सिस को छोड़ देता हूं तो ये लाइन से भी कवर हो रहा है और सर्कल से भी कवर हो रहा है। तो जब दो चीजों से कवर होता है, लाइन से और कर्व से भी, तो इसका मतलब वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर डालेंगे आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ओ ए बी एंड दिस पॉइंट लेट अस सपोज एम। तो इट मींस यहां से देखिए रिक्वायर्ड एरिया हमारा आएगा ओ एम बी, ट्राइंगल का एरिया, प्लस एम बी ए एम इज क्लोज रीजन का एरिया। क्लियर? बट बिफोर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमारी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू दे रखा है √3y। तो इसका मतलब x के प्लेस पर हम यहां पे √3y रख दें तो दिस इट विल बिकम 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। इट मींस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मींस y इक्वल टू प्लस माइनस 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहां पे अगर मैं पॉइंट लग निकाल दूं, इफ y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, और इफ y इक्वल टू माइनस 1 देन x इक्वल टू माइनस √3। स्टूडेंट, और देखिए अब नेगेटिव डायरेक्शन में तो हमारा एरिया ही नहीं, क्लोज एरिया ही नहीं, तो इसका मतलब हमें केवल ये पॉइंट निकालना था और ये पॉइंट हमारा आ गया कितना √3.1। क्लियर? अगर ये पॉइंट √3.1 है, x से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पॉइंट हो जाएगा √3.0। क्लियर? अब लिमिट हमें पता लग गई
जीरो टू रूट थ्री और रूट थ्री टू टू, क्लियर। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया आएगा आपका, लिख सकते हो चाहो तो पहले, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा शेडेड रीजन, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, या इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा, ओ एम बी, ओ एम बी प्लस एम बी ए एम, एम बी ए एम, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ओ एम बी का एरिया निकालेंगे किससे, जीरो टू रूट थ्री, किससे कवर हो रहा है एरिया, लाइन से, तो वाई एल डी एक्स, और क्योंकि ये प्लस आना है ऐड होगा दोनों, तो ये हो जाएगा रूट थ्री टू टू, ये किससे कवर हो रहा है, सर्किल से, इट मीन्स वाई सी डी एक्स, ठीक है। तो जीरो टू रूट थ्री वाई एल, लाइन की इक्वेशन से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन रूट थ्री डी एक्स प्लस रूट थ्री टू टू, सर्किल की इक्वेशन से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो बस अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, वन बाई रूट थ्री तो बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गई जीरो टू रूट थ्री प्लस सर्कल का एरिया, ये अंडर रूट में आया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी टू स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, और लिमिट हमने लगा दी यहां पे कितनी, रूट थ्री टू टू, क्लियर। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, वन बाई टू रूट थ्री टू भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब रूट थ्री स्क्वायर थ्री और माइनस जीरो प्लस, अब अगर मैं टू रखता हूं स्टूडेंट तो टू का स्क्वायर फोर, ये जीरो हो जाएगा इसकी टू की वजह से, तो ये हो गया जीरो प्लस टू, यहां रखता हूं तो टू स्क्वायर बाई टू यानी फोर बाई टू, तो ये हुआ टू, और साइन इनवर्स टू बाई टू यानी वन, तो इसका मतलब साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू माइनस, अब रूट थ्री रखेंगे स्टूडेंट तो रूट थ्री का मतलब हो गया रूट थ्री बाई टू, और ये रूट थ्री रखा तो थ्री, और फोर माइनस थ्री का मतलब वन, तो स्क्वायर रूट का मतलब वन का स्क्वायर रूट वन, और प्लस टू स्क्वायर बाई टू यानी फोर बाई टू, इट मीन्स टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, और साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू किसमें वैल्यू होती है साइन की, पाई बाई थ्री, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, यहां से कितना, वन बाई टू रूट थ्री यानी थ्री बाई टू रूट थ्री हो गया, एक तो थ्री बाई टू रूट थ्री, ये माइनस ये जीरो है, यहां से टू कैंसिल, तो कितना आया प्लस पाई, ठीक है, और माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू, और माइनस टू पाई बाई थ्री, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है यहां तक। तो थ्री बाई रूट टू रूट थ्री और रूट थ्री बाई टू, तो इसको चाहो तो अभी कितना लिख सकते हैं, रूट थ्री ऊपर बच जाएगा तो रूट थ्री बाई टू प्लस पाई माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस टू पाई बाई थ्री, तो रूट थ्री बाई टू तो कैंसिल हो गया, पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, तो दैट विल बिकम पाई बाई थ्री, और दिस इज द आंसर, चाहो तो लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू। इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका सेंटर होगा ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया कितना ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा ए, ठीक है।
अब ए यहां तक है तो ए बाई टू यहां आएगा, तो ए बाई रूट टू का मतलब ए बाई टू से थोड़ा आगे जाएगा, क्योंकि ए बाई रूट टू हाफ से ज्यादा है, ए बाई टू से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये आ गया, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पहले भी मैंने बोला है कि ये सिमेट्री होती है, कि एक्स एक्सिस के साथ में इसकी सिमेट्री होगी, तो जो एरिया ये होगा वही एरिया ये भी होगा। तो अगर हमें सिर्फ टोटल का एरिया निकालना है तो हम केवल इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल देंगे और इनटू टू कर देंगे, क्लियर। तो इसका मतलब अब यहां पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ये है ए बाई रूट टू, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, इफ एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू देन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू हुआ कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाई टू, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी ये भी a स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट टू, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कितने आ गए, a बाई रूट टू कॉमा a बाई रूट टू, और a बाई रूट टू माइनस a बाई रूट टू, क्लियर। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ए बाई रूट टू कॉमा जीरो, और ये ए जीरो हो गया, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा स्टूडेंट कितना, टू टाइम्स एरिया ऑफ सेड रीजन ए सी बी ए, ए सी बी ए, तो इसका मतलब टू टाइम्स एरिया हो गया हमारा कितना, ए बाई रूट टू टू ए, ए बाई रूट टू टू ए वाई डी एक्स, और y की वैल्यू किससे कवर हो रहा है, सर्कल से, तो इसका मतलब हो गया टू टाइम्स a बाई रूट टू टू ए, और y की वैल्यू हो जाएगी यहां से कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। बस लगाइए फॉर्मूला, टू टाइम्स कितना, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट हो गई ए बाई रूट टू टू ए, क्लियर। तो बस रखिए वैल्यू, टू इंटू कितना, एक्स बाई टू, अगर मैं यहां पे पहले ए रखता हूं तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स ए बाई ए यानी साइन इनवर्स वन, और साइन इनवर्स वन का मतलब हो गया पाई बाई टू, ठीक है। माइनस कितना, अब रखेंगे ए बाई रूट टू, तो ए बाई रूट टू रखा तो ये हो गया आपका ए बाई टू रूट टू, और अंडर रूट में आ गया कितना, ए बाई टू, ए का रूट टू का मतलब ए स्क्वायर बाई टू, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो कितना बच गया, ए स्क्वायर बाई टू ही बच गया, क्लियर। और माइनस, अब ए बाई रूट टू रखते हैं तो ए से ए कट जाएगा वन बाई रूट टू, तो ये बन गया कितना, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स कितना, ए बाई रूट टू और ए से ए कैंसिल, तो वन बाई रूट टू आ जाएगा, और वन बाई रूट टू का मतलब हो गया पाई बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक बस इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, टू टाइम्स कितना जीरो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर बाई फोर, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। माइनस ये देखिए ए बाई रूट टू हुआ यहां भी, और ये भी ए बाई टू रूट टू है, तो ए बाई रूट टू और ए बाई टू रूट टू, तो ए ए स्क्वायर हो गया, और टू टू जा हो गया फोर, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, और ये भी माइनस का ही आएगा, तो पाई ए स्क्वायर बाई एट, पाई ए स्क्वायर बाई एट, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, टू इंटू पाई ए स्क्वायर बाई फोर और पाई ए स्क्वायर बाई एट, तो ये बचेगा पाई ए स्क्वायर बाई एट, एलसीएम ले लीजिएगा चाहो तो, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, तो टू पाई ए स्क्वायर बाई एट लिख सकते हैं, और माइनस पाई ए स्क्वायर बाई एट, तो टू माइनस वन, तो ये बच जाएगा वन, ठीक है। और माइनस हुआ ए स्क्वायर बाई फोर, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई फोर,
और माइनस ए स्क्वायर बाई टू बच गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 4, तो एक तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाई 4 एलसीएम जो वो कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आ गया यहां से बचा पाई और यहां से बच गया 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये है पैराबोला। तो पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? और x इक्वल टू, ये पैराबोला हो गया, x इक्वल टू 4, ये टोटल एरिया x इक्वल टू a से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, एक ब्लैक दिखाई दे रहा है, थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ ओ ए सी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी एफ सी ए, ठीक है। या हम इसको दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं 2 इंटू, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होगा तो 2 इंटू एरिया ऑफ किसका, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी ए डी ई, बी ए डी ई बी, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ बी ए डी ई बी। क्लियर? ओ ए बी ओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हम लिमिट 0 टू a, ये पॉइंट कितना x इक्वल टू a लाइन है, तो ये a 0 हो गया, ये लाइन 40 है, 4 x इक्वल टू 4 है, तो ये पॉइंट 40 हो जाएगा। तो 0 टू a y पैराबोला से ही हो रहा है, तो y p dx और इक्वल टू a टू 4, ये भी पैराबोला से ही कवर हो रहा है, ठीक है। तो 0 टू a पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट x dx इक्वल टू a टू 4, ये भी अंडर रूट x dx। क्लियर? तो बस सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा x की पावर 1/2, 1/2 का मतलब 3/2 अपॉन 3/2, बाई 2 पर आ जाएगा, लिमिट हो गई 0 टू a इक्वल टू, ये भी ऐसे ही x की पावर 3/2 अपॉन 3 और बाई 2 पर पहुंचेगा, और लिमिट हो गई वही इंटू 4, 2/3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x की पावर 3/2 का मतलब a की पावर 3/2 माइनस 0 और इक्वल टू 4 की पावर 3/2 और माइनस a की पावर 3/2, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब जरा देखें इसको कितना आएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, तो यानी a की वैल्यू निकालनी है, तो a की पावर 3/2 इक्वल टू कितना, 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है स्टूडेंट, 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 यानी कितना हो गया 8, और ये जो 2 है ये अपॉन में पहुंच गया, तो 2 4 जा 8 यानी a की पावर 3/2 कितना हो गया 4, तो इसका मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर 2/3, तो दिस इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इसका मतलब x y की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा स्टूडेंट पैराबोला, और y इक्वल टू मॉड x, मॉड्यूलस फंक्शन आपका ओरिजिन से होगा, y इक्वल टू मॉड x है तो ये आपका ओरिजिन से बी फॉर्म में बनेगी स्टूडेंट, और y इक्वल टू सपोज कोई और ले लेते हैं, मान लो x माइनस 1, तो पहले इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1, तो ये फिर 1 से v फॉर्म में शेप में बनता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो ये फिगर, इन सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अभी देखिए सिमेट्री है दोनों तरफ, पैराबोला में सिमेट्री होती है ये पता है आपको, तो जितना फिगर इधर होगा इतना ही एरिया इधर होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है वो। अगर मान लो ये मॉड्यूलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x माइनस वन या x प्लस वन होता तब ये सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि अब ये ओरिजिन से ही है इसलिए दोनों तरफ सिमेट्री है। क्लियर? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां है तो इसे परपेंडिकुलर डालेंगे और जो एरिया ये होगा वही एरिया सेम ये होगा, तो हम इसका निकालकर इंटू टू कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड एक्स, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। आपको पता है कि मॉड एक्स दो तरह से ओपन होता है, एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव में और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया, x कॉमन आ गया x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से x कॉमन आ गया x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x यहां से आएगा x इक्वल टू जीरो और वन और यहां से आएगा जीरो और माइनस वन, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी माइनस वन जीरो और वन। तो y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो y की वैल्यू मॉड x दे रखिए तो पॉजिटिव ही होगी दोनों तरफ से देखिए, तो इसकी वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो भी वन आएगी, जीरो रखेंगे तो जीरो आएगी, वन रखेंगे तो भी वन आएगी। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए स्टूडेंट माइनस वन कॉमा वन, जीरो कॉमा जीरो और वन कॉमा वन। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया जीरो जीरो, एक हो गया ये वन कॉमा वन और एक हो गया ये माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, अब इसका एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा टू टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, टू टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, तो यानी टू टाइम्स लिमिट कहां से कहां तक है जीरो टू वन, ये पॉइंट हो गया वन जीरो, तो टू टाइम्स जीरो टू वन वाई डी एक्स, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस से टोटल किससे कवर हो रहा है, लाइन से, तो y l dx यानी मॉड्यूलस फंक्शन जो है, मॉड्यूलस फंक्शन डायरेक्ट भी लिख सकते हो चाहो तो, मॉड x dx, 2 बाहर इनटू में है, माइनस ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये किससे कवर हो रहा है, पैराबोला से, लिमिट सेम है 0 टू 1 y, पैराबोला कितना है x स्क्वायर dx। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 टाइम्स 0 टू 1, देखिए जीरो से ज्यादा है, जीरो इज द लोअर लिमिट, तो जीरो से ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आया, टू टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हुआ जीरो टू वन, चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, इसमें भी लिमिट वही आएगी जीरो टू वन, तो टू टाइम्स एक बार वन रखा तो वन स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू माइनस वन क्यूब बाई थ्री और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जीरो, तो ये हो गया टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, टू इंटू एलसीएम कितना आया सिक्स, तो थ्री माइनस टू, टू थ्री या सिक्स, तो थ्री माइनस टू यानी वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई एंड द लाइन एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका पैराबोला दिया है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा और x इक्वल टू फोर वाई माइनस टू है, तो इसके लिए आपको पता है ऑलरेडी कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक बार x को जीरो रख लीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू, और एक बार y को जीरो रखा तो x कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो एक पॉइंट तो हो गया जीरो कॉमा वन बाई टू और एक हो गया माइनस टू कॉमा जीरो, तो इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? तो ये दो जगह पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, वहां से दोनों से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हमें निकालना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई है
और x इक्वल टू 4y-2 है, तो यहां से 4y की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं कितना आएगा, x प्लस 2 यहां रख दीजिए, तो ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 2 बन जाए 2, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 से 4 कैंसिल, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। और इफ x इक्वल टू कितना, माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो y इक्वल टू आएगा कितना, 1/4, ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब क्या आएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कितने आ गए स्टूडेंट, माइनस 1, 1/4 और 2, 1, क्योंकि माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में तो कटी नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे हम सर, क्लियर। तो एक तो ये आ गया माइनस 1, 1/4, माइनस 1, 1/4, ठीक है, और एक आएगा 2, 1, तो ये 2 है, 2, 1, ठीक है स्टूडेंट। अब रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अगर मैं इसका नाम दे दूं तो ये पॉइंट हो गया माइनस 1, 0 और ये हो गया हमारा 2, 0, ठीक है। तो एरिया देखिए यहां से और यहां तक ये टोटल किससे कवर हो रहा है, लाइन से, तो ये आ गया आपका कितना, माइनस 1 टू 2, टोटल हो रहा लाइन से कवर, और लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 2/4 dx, ठीक है। और चाहो तो यहीं पे माइनस भी कर लीजिए साथ में, क्योंकि ये माइनस इसी से हो जाएगा, एक साथ ही कर लीजिए, ये वाला माइनस हो जाएगा, किससे कवर हो रहा है, पैराबोला से, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस 1 टू 2 ही रहेगी लिमिट, पैराबोला की इक्वेशन से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये dx आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/4 तो थ्रू आउट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का हो गया 2x और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट हो गई माइनस 1 टू 2, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, 1/4 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 प्लस 2, 2 जा 4 माइनस 2, 3 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8/3, ये इधर लिखा है अभी 2 बाहर, 1/4 थ्रू आउट कॉमन है, माइनस अब माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 रखा तो 1 का स्क्वायर यानी 1/2 आ गया, माइनस 1 यहां रखा तो माइनस का 2 हो गया और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, 2, 2 जा 4 तो 1/4 इंटू 2 और 4 हो गया 6 माइनस 8/3 माइनस कितना 1/2 प्लस 2 माइनस 1/3, 6 और 2 कितना हो गया, या थ्रू आउट एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 6 6 जा 36 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 3 प्लस कितना 6 2 जा 12 माइनस 2, ठीक है। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1/4 6 जा 24 तो हो गया बाहर, 36 में से 16 गई 20, 20 में से 3 गई 17, 17 और 12 कितना हुआ 29, 29 में से 2 गया 27/6, ये बाहर हो गया 3 8 जा 24 और 3 9 जा सॉरी, तो कितना आएगा, दैट इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x
एंड लाइन x इक्वल टू 3, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, x इक्वल टू 3 और पैराबोला के बीच में एरिया कवर हो रहा है, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ का एरिया, और आप जानते हो पैराबोला से सिमेट्रिकल होता है x एक्सिस से या y एक्सिस से, तो ये और ये इक्वल होगा, तो इसका एरिया निकाल के हम डबल कर सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ का एरिया हो जाएगा, क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 टू 3, और ये किससे कवर हो रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट x dx, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 बार हो जाएगा, और अंडर रूट x का मतलब होगा x की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, तो 3 2 पर पहुंच जाएगा और लिमिट हो गई 0 टू 3, तो ये हो गया 8/3, तो बाहर हो गया, ये हो गया 3 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2, तो इसका मतलब 8/3 और 3 की पावर 3/2 का मतलब कितना होगा, 3√3। देखिए 3 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 3 की पावर 1/2 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया √3 की पावर 3, इसका मतलब 3√3, 3 से 3 का कैंसिल, तो दैट इज 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इज a इक्वल टू पाई, b इक्वल टू पाई बाय 2, c इक्वल टू पाई बाय 3 एंड d इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज एमसीक्यू। तो देखिए स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन इसका सेंटर होगा एंड रेडियस 2 स्क्वायर यानी 2 हो जाएगी, क्लियर। तो x इक्वल टू 0 इट मींस y एक्सिस और x इक्वल टू 2 इसी पॉइंट से होके जाएगा, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में सर्किल का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के में तो ये आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ओ ए बी, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया हुआ हमारा 0 टू 2 और y dx, और y की वैल्यू किसने, सर्किल से कवर हो रहा है, सर्किल का मतलब हो गया स्टूडेंट 0 टू 2 अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx, क्लियर। तो कितना आएगा, बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आएगा x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 का मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई 2, लिमिट हो गई 0 टू 2, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर 2 रखता हूं तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 बाई 2 इट मींस 2 और साइन इनवर्स x बाई 2 का मतलब 2 बाई 2 यानी पाई बाई 2, ठीक है। माइनस अब 0 रखता हूं तो 0 की वजह से ये 0 और 0 की वजह से ये भी 0, तो इसका मतलब 0 माइनस 0 प्लस 0, सॉरी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये पाई, तो बस यही आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज 2 B 9/4, C 9/3 एंड D 9/2, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, y इक्वल टू 3 लाइन ये है तो इससे नीचे बनेगा और विद y एक्सिस, तो इसका मतलब ये एरिया y एक्सिस के साथ पैराबोला के साथ और y इक्वल टू 3 के साथ, तो ये एरिया हमें लेना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, लिमिट y एक्सिस के साथ लेना है तो 0 टू 3, और अब की बात देखिए y एक्सिस पर ले रहे हैं इसलिए आएगा x dy, क्लियर। तो ये आ जाएगा 0 टू 3, x की वैल्यू निकालिए यहां से, कितना आएगा y स्क्वायर बाई 4 dy, ठीक है। तो 1/4 तो बाहर हो गया स्टूडेंट, y स्क्वायर का मतलब हो गया y क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई 0 टू 3, तो ये हो गया 1/4 3 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो ये हो गया 1/4
थ्री क्यूब, थ्री क्यूब का मतलब 27/3 दैट इज 9 और माइनस ये हो गया 0, तो आंसर विल बिकम 9/4. सो आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1. तो नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार.